साक्षात और साक्षात्कार, ये दो शब्द अलग अलग हैं। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग इस पावन कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, ध्यान से सुनना, सावधान होकर श्रवण करिएगा। ये दोनों अलग अलग है महाराज। जैसे हम कहते हैं भगवान को हमको साक्षात देखना है, भगवान साक्षात प्रकट हो गए, भगवान को हमें साक्षात देखना है। एक शब्द आता है कि साक्षात मतलब एकदम वही आकर खड़े हो, साक्षात प्रकट हो। और एक शब्द होता है साक्षात्कार, साक्षात प्रकट हो जाना, दर्शन कर लेना, ये एक अलग विषय हो गया। परशु महापुराण की कथा कहती है हमें भगवान का साक्षात दर्शन नहीं करना, हमें तो भगवान के साथ में साक्षात्कार करना है, रोज मिलना, रोज बातें करना। हम रोज परमात्मा से मिले और रोज उनसे बातें करें। प्रतिदिन हम शिव की भक्ति में रमें, प्रतिदिन हम भगवान शंकर का भजन करें, प्रतिदिन हम शिव भक्ति में लीन रहें, प्रतिदिन हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे रहें, प्रतिदिन हम शंकर का स्मरण करते रहें, प्रतिदिन हम शिव से अपने हृदय की बात कहते रहें। वो एक आप लोग पहले एक भजन गाया करते थे ना, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आदि सा। महाराज जिसने ये गीत लिखा और जिसने ये गीत गाया उसने पूरा देख कर इस गीत को गाया होगा, पूरा देख कर गीत लिखा होगा। एक बार फिर से इसी लाइन को बोलिए, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। जिसने भी ये गीत लिखा है, जिसने ये गीत गाया है उसको स्मरण में होगा, उसने ये नहीं बोला कि मैंने बहुत बड़ा मंदिर जमीन पर बनाया है, उसने ये नहीं बोला कि मैंने बहुत बड़ा मंदिर अपनी प्रॉपर्टी पर बनाया है, उसने बोला मन मंदिर आलीशान। वो कह रहा है कि मैंने अपने मन को मंदिर बना लिया और ये मंदिर कोई साधारण नहीं है, ये मंदिर बहुत विशाल। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न करा था, यह भजन लिखा तो गुरुजी इसमें किस चीज की मूलता है, हमने क्या क्या चीज की मूलता है उसमें। कितनी विडंबना है आज इस संसार की। सोनी जी पाठक जी जरा सावधानी से सुनिएगा और आप लोग भी जितने लोग कथा सुन रहे हैं, कथा के विराम दिवस की कथा है, 10 मिनट भी अगर आपने दिल लगा लिया मेरे महादेव से तो ये निश्चित है वो 10 मिनट का तुम्हारे को क्या मिलेगा तुम घर जाकर प्राप्त करोगे ये मालूम पड़ जाएगा। पर थोड़ा दिल लगाना पड़ेगा। अगर दिल लगाकर अपन व्हाट्सएप पर बात करो, चाहे चैटिंग करो, चाहे फोन पे बात करो, उससे मालूम पड़ जाता है कि इसका मन तुमसे बात करने का है कि नहीं। अगर दिल लगाकर आपने फोन पर भी बात करी तो फोन पर बात करते करते 15-20 मिनट टूट जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा कब समय निकल गया। और अगर दिल लगाकर बात नहीं करोगे तो आपने आधे घंटे तक भी बात करते रहो तो लोगों का मन गया फालतू की बातें, वो तो ना जाने कहां की बात करते रहे और समय घट गया। पर 10 मिनट भी अगर आप शंकर भगवान को दे रहे हो, कुबेरेश्वर महादेव को दे रहे हो, 10 मिनट भी आप मेरे ओघड़ दानी को, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शिव को दे रहे हो, तो वो 10 मिनट जो तुमने यहाँ दिल लगाया है मेरे शंकर भगवान से, घर जाकर मालूम पड़ेगा कि वो दिल लगाकर तुम आए थे तो क्या मिला। दुनिया कितनी विडंबना है, संसार की कितनी विडंबना है, जरा विचार करिए कि घर के अंदर भगवान के मंदिर से ज्यादा बड़ी तो बाथरूम होती है। जरा बोलिए सही है कि गलत है। जितने बड़ी बड़ी सिटियों में चले जाओ, बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, और शहर में भी जाने को तो जाने दो, तुम अपने अपने नगर गांव में कॉलोनी में फ्लैटों में भी देख लेना, भगवान का जो मंदिर होता है वो छोटा होता है और बाथरूम बड़ी सारी होती है। बड़ा क्या होना चाहिए? अरे बोलो जनता,
मंदिर बड़ा होना चाहिए कि हम जिस भगवान का पूजन करने के लिए बैठे, हम जिस भगवान का अभिषेक करने के लिए बैठे, हम ठाकुर जी से लाइन लड़ाने के लिए बैठे, हम भगवान कृष्ण से सेवा करने के लिए बैठे, हम भगवान राम का पूजन करने बैठे, हम शंकर जी का अभिषेक करने बैठे, तो मंदिर अगर बड़ा होगा तो हमारी बहू, हमारा बेटा, हमारी पोती, हमारे नाती, हमारे पंती, हमारे परिवार का सारा सदस्य उस मंदिर के अंदर एक छत के अंदर बैठेगा तो उस परमात्मा की छत्र छाया पूरे परिवार पर बनी रहे, पूरे परिवार, हमारा पूरा वंश बढ़ता जाएगा। वंश जो शब्द है, मेरी बहुएं, जितनी भी बेटियां बैठी हैं, जितनी भी बहुएं बैठी हैं और जितने भी नवयुवक बेटा बैठे हैं, भाई बैठे हैं, वो हृदय से सुनना इस कथा को। वंश संबोधन कहां से निकला है? हम कहते हैं ना, ये हमारा वंश है, हम इस वंश के हैं, ये वंश हमारा इतना बड़ा है, भगवान कृपा करना हमारा वंश और बढ़े। ये वंश संबोधन कहां से निकला? ये वंश संबोधन कहां से प्राप्त हुआ? ये वंश संबोधन कहीं दूसरी जगह से नहीं निकला। हमारे यहाँ जो बांस का पेड़ होता है ना, हमारे यहाँ जो बांबू का पेड़ होता है, बांस का जो पौधा होता है, उसको कहते हैं वंश। इसलिए हमारे यहाँ जो बांस का काम करते हैं ना, उनको कहते हैं वंशकार। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? उनको कहते हैं वंशकार। जो बांस की डलिया बनाते हैं, बांस का सुपड़ा बनाते हैं, बांस की डलिया सुपड़ा, उसके लिए खूब सुंदर मंडप सिद्ध करते हैं, खूब सुंदर उसकी नक्काशी करते हैं, उस पर कलर करते हैं, जो बांस का कार्य करते हैं उनको वंशकार करते हैं। कितना महत्व है हमारे यहां वंशकार का। आज दुनिया के लोगों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में लोगों को बांट दिया, पर हमारा सनातन धर्म कहता है कि एक बांस की डलिया बनाने वाला, एक सुपड़ा बनाने वाला, बांस की चौखट बनाने वाला, बांस का मंडप बनाने वाला, ये वंशकार जो होता है, बांस से द्वारा निर्मित जो सामान को सिद्ध करता है, ये साधारण नहीं होता। हमारा शास्त्र कहता है, आज भी चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, इन चारों वर्णों में अगर शादी होती है तो पहले वंशकार की डलिया से ही शुरुआत होती है। वंशकार की डलिया से शुरुआत होती है। हमारे यहां सबसे पहले क्या लेकर आते हैं? खल मिट्टी। हमारे यहां सबसे पहले लेकर क्या आते? केवल मिट्टी लेकर आते, केवल खल मिट्टी लेकर आते। और खल मिट्टी को लेने के लिए जाते हैं बांस की डलिया लेकर, सुपड़ा लेकर, माताएं भजन गाती गाती, कीर्तन गाती गाती, बन्ना बनी गाती गाती, बांस की डलिया में थोड़ी सी मिट्टी खोद कर उस डलिया में डालकर उसको लेकर आते हैं। फिर उससे कुछ कुछ सामग्री बनाते हैं, चूल्हा वगैरह ये कुछ भी सामान बनाते हैं, फिर उस पर पूजन वूजन करते हैं। आज भी नियम है। बोलो रे जी, जो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है ना? तो आज भी नियम है कि वंशकार के यहां से आई हुई डलिया में, वंशकार के यहां से आए हुए सुपड़े में हमारे यहां सबसे पहले शादी का काम किया जाता है। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि वंश संबोधन बांस से उत्पन्न हुआ। वंश का जो संबोधन है वो बांस। और वंश का संबोधन जब बांस से है तो हम कहते हैं परमात्मा से, महाराज जी, कि हमारा वंश बढ़े। तो आप विचार करिएगा कि ये बांस से वंश का संबोधन कैसे जुड़ गया? सारे वृक्षों में केवल एक वृक्ष बांस का होता है, बांस का जो पौधा होता है, बांस का जो वृक्ष होता है, बांस का जो पेड़ तैयार होता है, वो वृक्ष बांस जहां लगता है वहां बहुत सारे बांस एक साथ लगते हैं। देखें आप लोगों ने, बहुत सारे बांस एक साथ लग गए। वंश संबोधन कैसे निकला उसका ध्यान करना। कोई आपसे पूछ लेगा कभी भी, कोई प्रश्न कर सकता है, कोई पूछ सकता है आपसे कभी भी किसी भी समय पर कि वंश संबोधन कैसे प्राप्त हुआ, कैसे मिला। जैन संताएं हमारे बीच में, हमारे सनातन धर्म में, सनातन धर्म के भीतर, सनातन धर्म के अंतर्गत
चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चारों वर्णों को बराबर लिया है। सुधीर भैया भी बैठे हुए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चारों वर्ण बराबर। शुरुआत देखिए, हमारे जीवन में जब जब कोई अच्छा कार्य होता है, हमारे जीवन में जब जब कोई अच्छे कार्य की ओर बढ़ते हैं, तो वंशकार समाज द्वारा जो बांस की डलियां बनाते हैं, सुपड़ा बनाते हैं, बांस का सामान बनाते हैं, उन तो जब जब अग्रण्यता होती है, तब जब वंशकार के द्वारा निर्मित वो डलिया, निर्मित वो सुपड़ा, निर्मित वो सामग्री प्रयोग में होती है। कोई आपसे पूछे कि वंश कहां से उत्पन्न होता है, तो वंश शब्द कहां से लिया गया, तो बांस से लिया गया। बांस जहां लगाया जाता है, वहां बहुत सारे बांस का झुंड उत्पन्न होता है, झुंड उत्पन्न होता है, वो बांस बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है। उस बांस में तुम पानी दो मत दो, उस बांस में तुम खाद डालो मत डालो, वो बांस बढ़ रहा है। साथ में ये वंश शब्द कैसे निकला, अब समझना उसको, कि बांस जब बढ़ता है उसमें कोई कोई बांस में कीड़े लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, बांस अंदर से सुलने लगता है, सुलने लगता है, वो खोखला हो जाता है, खोखला हो गया, वो गिरने वाला होता है। जैसे ही गिरने वाला होता है, उसके पास में जितने बांस लगे रहते हैं, वो उस बांस को गिरने नहीं देते, इसको वंश। इसी को वंश कहा गया। हम जिस परिवार में रह रहे हैं, चार भाई हैं, पांच भाई हैं, छह भाई हैं, सात भाई हैं, हम जिस परिवार में रह रहे हैं, हम जिस कुटुंब में रह रहे हैं, हम जिस वंश के हैं, हम जिस परिवार में, कुटुंब में, कबीले में रह रहे हैं, उस परिवार में रहने वाला व्यक्ति एक बात ध्यान लगाकर सुन ले कि अगर कोई एक भाई, कोई एक परिवार का व्यक्ति, कोई एक पुत्र अगर गलत संगत में पड़ गया है, गलत मार्ग पर चले गया है, कोई गिर रहा है, कोई गिरने वाला है, बहुत ज्यादा इसको तकलीफ आ गई है, तो बाकी के वंश वालों को, परिवार वालों को चाहिए कि हमें उसको संभालना है, गिरने नहीं देना है, तब समझो कि हमारा वंश है। तब जाकर हमको लगता है कि इसमें श्रेष्ठता है, इनको बढ़ाइए थोड़ा सा प्रेशर, बढ़ाओ प्रेशर। तब जाकर हमको लगता है कि हमारा वंश हमको साथ पर चल रहा है। महाराज, तेरी पूजन को भगवान बना मन मन मंदिर आदि अब, मन को मंदिर इसलिए बनाया क्योंकि आज के समय में हम बाथरूम बड़ी बनाएंगे, मंदिर छोटा बनाएंगे। विडंबना है ये इस संसार की। बाथरूम इतना बड़ा है कि तुम दो बार गुलटियां खा जाते, और मंदिर इतना सा है कि दंडवत करने बैठे तो पूरा भी नहीं सो पा रहे, ने पांव समेट के फिर प्रणाम करा। विचार करना जरूर। ये पश्चिम की जो हवा होती है ना, पश्चिम की हवा जब जब चलती है, खूब बादल भी हो जाए तो भी पानी नहीं बरसता। और जो पश्चिम सभ्यता में पढ़कर तुम मंदिर छोटा कर बाथरूम बड़ी कर रहे हो ना, इससे तुम्हारा भला नहीं होने वाला, एक ना एक दिन तुम्हारी बर्बादी ही होने वाली। पश्चिम से चली हुई हवा, पश्चिम सभ्यता, ये हमको आगे नहीं बढ़ने दे सकते। घर का मंदिर छोटा होकर बाथरूम बड़ी होती चली जा रही है, उससे हमारे को सुख का अनुभव नहीं हो सकता, हमारे जीवन में आनंद का अनुभव नहीं हो सकता, हमारे जीवन में खुशियां नहीं आ सकती, हमारे जीवन में हम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। जितने बैठे हो ना यहाँ पर, और जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, थोड़ी सीओर वाले महाराज की बात पूरी जरूर लगेगी, पर अपने अपने घर में भी देख लेना। मंदिर इतना सा, मंदिर को रखने के लिए, भगवान को रखने के लिए, नए मकान में, पुराने मकान में भगवान को रखने के लिए कोना ढूंढा जाता है, और मेहमान को रखने के लिए सोफा सेट ढूंढा जाता है। देखिए, फिर दुनिया के लोग कहते हैं सीओर वाला महाराज काली मिर्ची बहुत खाता है।
गलत हो तो बता देना हो, अगर कहीं तुम्हें ऐसा लगे कि महाराज जी गलत, भगवान को बिठाने के लिए कोना ढूंढा जाता है, कौन से कोने में रखूं, कौन सी जगह पे रखूं, इतना छोटा सा मंदिर लेके आई, इतना छोटा सा, क्योंकि घर में जगह नहीं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ जगह नहीं, तो तू भी तो सोते हो गए, तुम भी तो रहते हो गए, जब मालूम पड़े कहाँ हमारे फ्लैट में जगह नहीं है, हमारे फ्लैट में जगह नहीं, बड़े बड़े शहरों में कहाँ जगह गुरु जी, कहाँ जगह, छोटा सा हाल रे, रसोई रे, अच्छा फ्लैट बनाने वाले भी इतने समझदार रहते हैं, बाथरूम बड़ी बनाएंगे, हॉल बड़ा बनाएंगे, रूम बड़ा बनाएंगे, किचन बड़ा बनाएंगे, पर भगवान का स्थान ही नहीं देंगे, क्योंकि वो सनातनी है ही नहीं, तो भगवान के लिए क्या खास सोचेंगे, उनको तो कमाना है केवल तुमसे। अगर फ्लैट बनाने वाला फ्लैट बनाए तो सबसे पहले उसको बनाना चाहिए कि ये भगवान का मंदिर हमने सबसे बड़ा बनाया है, तुम्हें अच्छा लगे तो लो, नहीं लगे तो ना, पर इनको तो माल बेचना है, इसलिए बेडरूम बड़ा बनाया, ये रूम बड़ा बनाया, वो रूम बड़ा बनाया, और भगवान को हम भगवान कहाँ रखेंगे, तो क्या इतना सा मंदिर लिया ना कहीं कोना में दर्द है। शिव महापुराण की कथा इतने सालों से आप सुन रहे हो, कभी व्यासपीठ से बैठकर ये बोला कि भगवान को 56 भोग लगाना, बोलो जनते, कभी इस व्यासपीठ से बैठकर बोला कि 1 किलो मिठाई लेके मंदिर में जाना, बोला, कभी इस व्यासपीठ से ऐसा बोला कि ड्राई फ्रूट्स भगवान को लेकर जाना, या भगवान को आम लेकर जाना, या केला लेकर जाना, या फल लेकर जाना, नहीं, मेरे शंकर भगवान को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, शंकर भगवान कहते हैं तू मुझे कोने में भी रख ले चल जाएगा, पर केवल मकान के कोने में मत रखना, अपने दिल के कोने में भी रखना, तब अगर तू मुझे घर के कोने में रख रहा है तो मैं चलने को तैयार हूँ, तू मुझे घर के कोने में रखेगा मैं मानता हूँ कि मैं कोने में रह जाऊंगा, पर उस कोने में रखने से पहले मुझे अपने दिल में रखना, उस कोने में रखने से पहले अपने मन में मुझे रखना पड़ेगा। बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, ढेरों आते हैं, ढेरों पत्र लिख के भी जाते हैं, गुरुजी भक्तों के रुकने के लिए थोड़े कमरे ज्यादा बड़े बड़े बनवा, तुम्हारे भगत बहुत आते हैं, भक्तों के रुकने की व्यवस्था ज्यादा करो, तुम्हारे भक्त ज्यादा आते हैं। हमने कहा, हमने भक्तों से कहा कि यहाँ रुको, हमने तो उस कुबेर भंडारी से कहा है एक बार तू आके बस यहाँ टिक जा, बाकी के सब जाए, वो आ गया ना, वो आ गया ना, सब कुछ आ गया, फिर कोई वैभव, कोई सत्ता, कोई दिखावा, कुछ नहीं। आपसे भी कहूंगा, जिस दिन पशुपति व्रत का पांचवा दिन हो, पांचवा पशुपति व्रत हो, उसके एक व्रत पहले चौथे व्रत में तुम शंकर भगवान से कह देना कि बाबा मन्नत अपनी जगह पर है, मुझे मालूम है पांच व्रत पूरे करूंगी और तुम मेरी मुराद पूरी करोगे, पर एक निवेदन है, उस मुराद के साथ में आप मेरे साथ मेरे घर चलकर रहना चालू कर दो, मेरे साथ, और कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, शिवाय नमस्कार, हारना मत, संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो, कोई तुमसे कहेगा तुम ये कर लो वो कर लो, किसी चक्कर में मत पड़ना, अगर पड़ना तो मेरे देवाधिदेव महादेव के चक्कर में पड़ना, जिंदगी सवार करना तुमको पड़ेगा, बेलपत्री तुमको चढ़ाना है, धतूरा तुमको चढ़ाना है, मूंग तुमको चढ़ाना है, चावल तुमको चढ़ाना है, जल तुमको चढ़ाना है, सियोर वाला महाराज चढ़ाने के लिए नहीं आएगा, और ना सियोर वाले महाराज को कोई बेल भभूति आती है, सियोर वाला महाराज तो केवल एक बात जानता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, केवल ये मंत्र जाने और ये शिव महापुराण के जो उपाय पुराण में लिखे हुए हैं वो छाट छाट के आपको बता देते, बस एक काम जरूर करना, उस बच्चे ने फार्म भरा, भले बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, भले वो बधिर हो, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पर उसको विश्वास तो था उसके माता पिता को, और उन्होंने
बेटे से कहकर जो करवाया, बेटे को फल तो मिला। शंकर ने केवल पास नहीं करा, गवर्नमेंट की जॉब भी दिलवा कर निश्चित कर दिया। और भरोसा मत टिकने देना, विश्वास डोलने मत देना। दुनिया के लोग बहुत आएंगे आपके पास कहने के लिए, चलो मैं ऐसा कर देता हूँ, चलो मैं वैसा कर देता हूँ, चलो मैं तुम्हारे पास में ऐसा कर देता हूँ। पर विश्वास शंकर के चरण में रखना। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं। अगर तुम्हारी बात सुनने के लिए अगर मृत्यु लोक में रहता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव रहता है, वो सुनेगा। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा हो सकता है हमारी सेवा में, अर्चना में, पूजन में, भजन में कोई कमी रह जाए। एक पशुपति व्रत में अगर कामना भी हो तो एक महीने का गैप करो, 15 दिन का गैप करो। 15 दिन छोड़ने के बाद फिर बाबा से कहना कोई कमी रह गई, या तो मैंने पति पत्नी ने व्रत करा, एक ही हलवा बनाया और दोनों बांट कर ले गए, या तो कढ़ैया में मैंने प्रसाद को बांट लिया इसलिए मेरा फल नहीं मिला, या मेरे यहाँ पर मेहमान ज्यादा आए तो मैंने हलवा ज्यादा बना लिया, आपके लिए भी ले गई और मेहमान को भी छोड़ गई, या मैंने खीर बनाई तो बच्चों के लिए भी बना दी साथ में, हो सकता है उसमें त्रुटि हो गई। आपको एक बात कही थी, हलवा बनाना तो उतना बनाना जितना महादेव के मंदिर ले जाना, शिव के लिए खीर बनाना तो उतनी बनाना जितना महादेव के मंदिर ले जाना, ज्यादा नहीं कि मैं बच्चों के लिए छोड़ दूंगी क्योंकि मैं अकेली खाऊंगी और बच्चे मुंह देखेंगे अच्छा नहीं लगेगा, नहीं ले जाओ पूरा भगोना भरकर। अगर तुम्हारे बच्चों के लिए करना है भगोना भर कर ले जाओ, दो हिस्से मंदिर में छोड़ के आओ, बच्चों से उठा लो खा लो, मना कौन कर रहा है। पर बनाना मुझे देवाधिदेव महादेव के लिए है, जितना बनाऊंगी उसका तीसरा हिस्सा मुझे खाना पड़ेगा, तीसरा हिस्सा केवल मेरे लिए रहेगा। परीक्षा लेता है मेरा देवाधिदेव महादेव। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मन हमारा डोल जाता है कि पति पत्नी दोनों पशुपति व्रत कर रहे हैं, हलवा ज्यादा बना लेती हूँ, आधा तुम्हारे काम आधा मेरे काम, कढ़ैया में दो हिस्से हो गए तो भगवान कहेगा हिस्सा करने की जरूरत क्या है फिर मेरे दरबार में, क्यों हिस्सा कर कर दिखावा करते हो। इस कुबेरेश्वर बाबा की पूरी भूमि पर कहीं पर भी घूम कर देखना, कहीं दिखावे का काम नहीं है, कहीं दिखावे का काम नहीं है यहाँ पर, ये कोई दिखावा हो रहा हो। जो तुम दान देते हो भोजन भंडारे में वो भोजन भंडारा हो रहा है, जो तुमने व्यवस्था कराई वो व्यवस्था हो रही है, बाबा के लिए जो दान देते हो तो बाबा के मंदिर का निर्माण हो रहा है, वृद्धाश्रम के लिए दान दे रहे हो तो वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा है, गौशाला के लिए देते हो तो गौ माता के सुंदर सेवा का आनंद हो रहा है और गौशाला का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। ये शिव भक्ति है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। और जितना महाराज पहनकर बैठता है ये जजमानों ने पिनाया है और अभी भी पिना रहा है, कोई कमी जजमान नहीं करता, पिना रहा है। और कोई कहे कि इसको उतार कर तिजोरी में रख दें या छुपा के रख दें तो बाद में औलाद डट के पहनेगी, अपन क्या ऊपर से देखेंगे। तो इसलिए अलमस्त जिंदगी जियो, रोकर जीवन मत जीना कभी भी जिंदगी में, याद रखना। दुनिया में आए हो, समस्याएं बहुत सारी होगी पर सारी समस्या का हल एक लोटा जल, प्रत्येक समस्या का हल है दिल लगाना मेरे महादेव से। जब दिल लगाकर बैठ जाओगे तो फिर उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारे पास में आकर खड़ा हो जाएगा, निश्चित है वो तुम्हारे सम्मुख। बावीस साल के मरे हुए लड़के को वापिस पाने के लिए वो पशुपति व्रत कर लेती है और ऑपरेशन चलवा कर वापिस उस बच्चे को प्राप्त कर लेती है, केवल शिव पर विश्वास करकर, भरोसा करकर। कौन विचार करेगा ये कि लड़का मर गया 22 साल का, उसके बाद बच्चा आ सकता है, कौन विचार करेगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। ये उसका धाम, उसका कंकर शंकर है। कल पंडित श्री सुधीर जी व्यास जी सुंदरकांड इंदौर से बहुत सुंदर सुंदर कांड का वाचन करने वाले, समझा समझा कर सुंदर कांड को बोलने वाले। शिव से लगाइए, भगवान शंकर से अगर एक बार दिल लगा लिया, शिव से अगर मन लगा लिया तो शंकर ही समान है। आप जाओ तो यहां से, भले यहां पर सोने के लिए जगह नहीं है, भले भोजन में पूरी सब्जी चावल जो मिल गया नुक्की खा लिया, कहीं ज्यादा बाथरूम वगैरह नहीं बनी हुई है, कितनी
समस्याएं हैं तुम्हारे साथ में, पर कितना समस्याएं होने के बाद भी तुम तस्से मस नहीं होते, ये शिव भक्ति नहीं तो है। और महाराज के यहाँ तो खूब बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, बहुत जगहें हैं, बहुत व्यवस्थाएं हैं, सब लोग आके हमसे कहते हैं तुम थोड़ा अच्छा इंजीनियर कर लो और अच्छे से सब बनवाओ और अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं भक्तों को दो तो ये लोग आएंगे, रुकेंगे तो थोड़ा बहुत धन भी देकर जाएंगे। हमने कहा अगर इनकी जी हजूरी करेंगे तो थोड़ा मिलेगा, उसकी जी हजूरी कर लूंगा तो भरपेट मिलेगा, वो देने वाला। तुम लोगों की राजसी ठाट के लिए थोड़ी ना बनाया है कुबेरेश्वर धाम। कुबेरेश्वर धाम में तो ये धरा है, पढ़ो, सो, आनंद लो, ढोक लगाओ, दंडवत करो, कंकर शंकर में घूम लो, प्रणाम करो, बाबा से निवेदन करो और जाओ, और जाना ऐसे कि 3 महीने में वापिस आना, ऐसा बोलकर जाना। यहाँ तो कंकर शंकर है, उससे कहो जिस समय तुम दंडवत करते हो, जिस समय तुम ढोक लगाते हो, दंडवत करते हो, उस समय तुम्हारा दिल उस परमात्मा में लगा होना चाहिए। मैंने सुना है प्रणाम करते समय हम सवेरे आते हैं, आज तो सोनी जी के दोनों पुत्र लेने पहुंच गए थे, सुबह आते हैं तो पहले बाबा को दंडवत कर लेते हैं, बाबा तेरी भूमि है, जोड़े से यहां पर रहता है, तेरी ऐसी कृपा है, जोड़े से कहीं पर भी घूमता रहता है तेरे धाम में, पर बाबा ऐसी कृपा कर जो आए दिल से लेकर जा, फिर आया फिर लेकर जा, खाली मत छोड़ना। कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन कथा जितने लोग भी सुन रहे हो भाई बहनों, मेरे युवान बेटा बेटियां भाई बहन सुन रहे हैं, वो भी दिल लगाकर सुनो। नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हो, पढ़ाई के लिए कर रहे हो, पूरा कर्म करो, दिल से करो, मेहनत दिल से करना, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कर्म प्रधान है, शंकर भगवान की कथा कहती है कि कर्म तुम करना, पीछे में खड़ा हूं। जिस कक्षा में बैठकर तुम परीक्षा देते हो, वहां पर तुमने जिसके पास ट्यूशन पढ़ी है ना, वो टीचर भी वहीं रहता है, उसकी ड्यूटी लगी है, बोलो सही है, उसकी ड्यूटी लगी तुम्हारे कक्षा में, पर क्या वो जिसके यहां तुमने ट्यूशन पढ़ी वो तुमको कुछ नकल कराएगा? अरे बोलो जम के जरा, नहीं कराएगा। तुम घबराओगे, आंखों से आंसू गिरेगा, पसीना टपकेगा कि कुछ गुरुजी बता दें, गुरुजी नहीं बताएंगे। जो उसने पढ़ाया है वो तुम लिखो, कॉपी दी, बाद में जब गुरुजी बाहर मिले प्रणाम करा, मेरा रिजल्ट गुरुजी, मेरा रिजल्ट। गुरुजी बोले चिंता मत कर, एग्जाम देना तेरा काम था, रिजल्ट बनाना मेरा काम था। शिव भी ऐसा, कर्म करना तेरा काम है, फल देना उसका काम है, पढ़ाई तुम करो, कर्म तुम करो, पर उसके भरोसे आखिरी में जैसे जाते जाते टीचर के पांव पड़कर आया कि रिजल्ट देख लेना, जब सारा कर्म कर दो, कर्म करने के बाद में जब फल ना मिले उससे पहले शिव जी के पास जाकर एक लोटा पानी चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर कह देना रिजल्ट देख लेना, नौकरी के लिए अप्लाई करा है, मैंने दुकान डाली है, रिजल्ट तुझे देखना है, मैं तेरे भरोसे पर। भोलेनाथ दया करना, बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। संसार के भरोसे रहोगे एक दिन डूब जाओगे, पर उसके भरोसे रहोगे कभी धोखा नहीं खाओगे। संसार के लोग धोखा दे सकते हैं, पूरे संसार की विडंबना हो गई, भगवान के लिए मंदिर छोटा हो गया घरों में और बाथरूम बड़ी हो गई,
और विचार करते हैं कि भगवान हमको एक मकान और दिला दे, मेरा डबल मंजिल बन जाए। भगवान बोले मुझे कोने में पटक के रखा है और बाथरूम में लोट लगा लगा के नहा रहा है, और कि एक मकान और हो जाए। भगवान के अब प्रमोशन नहीं होगा, अब डिमोशन होगा। भगवान का भजन जिसको बुरा लगता है, ध्यान दीजिएगा, भगवान का भजन जिसको बुरा लगता हो, शिव महापुराण की कथा जिसको बुरी लगती हो, राम कथा भागवत कथा जिसको बुरी लगती हो, घर में आए हुए मेहमान जिसको बुरे लगते हो, पाठ पूजन जिसको बुरी लगती हो, समझ लेना उसके बुरे दिन की शुरुआत चालू हो चुकी है, उसका बुरा दिन चालू हो गया। देरी नहीं है, भगवान के भजन में, दान में, पुण्य में, सत्कर्म में मुंह मत बिगाड़ो। ऐसे ऐसे माताएं कहते हैं, भगवान के भजन में, दान में, पुण्य में, सत्संग में, संकीर्तन में, शिव पुराण को सुनने में, स्मरण में मुंह मत बिगाड़ो। अगर परमात्मा के भजन में तुम्हारा मुंह बिगड़ेगा तो तुम्हारे घर को बिगड़ने में देरी नहीं लगेगी, 15 मिनट में समझ जाएगा। उसके भजन में मुंह मत बिगाड़ो, उसके कीर्तन में मुंह मत बिगाड़ो, उसके स्मरण में मुंह मत बिगाड़ो, उसकी कथा में मुंह मत बिगाड़ो, उसके दान में मुंह मत बिगाड़ो, उसके पुण्य में मुंह मत बिगाड़ो। आप जितना बन सके, आपसे बने तो ठीक है, नहीं बने ना तो मुंह नहीं बिगाड़ना, अपने अपने मुंह नहीं सड़ना, नहीं तो घर कब सड़ जाए, मुंडा सड़ता सड़ता, मुंडा बिगड़ता बिगड़ता घर कब बिगड़ जाए मालूम ही नहीं पड़ेगा। हमें मुंडा नहीं बिगाड़ना, हमसे नहीं बन दिया नहीं कर। कौन ने कहा तुमसे कि दान करो? हम तो इतना कहते हैं कि भोलेनाथ तुमको देना चालू करे तो तुम उसमें से एक पंखड़ी निकाल कर कुबेरेश्वर महादेव में भेजना चालू कर देना, बस इतना। शिव से कह कर जाना तेरा नाम कुबेर भंडारी है, लोग तुझे कुबेर भंडारी कहते हैं, लोग तुझे कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। 10 साल से बंद वो ईंट का भट्टा, वाशिम महाराष्ट्र से आई वो जीजी जिसका 10 साल से ईंट का भट्टा बंद पड़ा हुआ था, व्यापार कुछ नहीं था, जब वो यहाँ धोक लगा कर गई कि मैंने भगवान से पार्टनरी कर ली। महाराज, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं उठा लो उठा। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं उठा लो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं ननी बाहे बसारे, मैं भी खड़ा हूं ननी बाहे बसारे। अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूं उठा लो उठा। भगवान से कहना बहुत दिक्कत, बहुत दुख, संसार में जन्म मिला है मेरा, पर बहुत तकलीफें झेल रहा हूँ, पर सुना है तू है तो क्या गम है, तेरे साथ में हूँ ना तो चिंता नहीं मुझको, मैंने सुना है सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो मैं भी नियम बनाकर चढ़ाऊंगा। 3 महीने नहीं सुनेगा, 5 महीने में सुनेगा, 5 महीने में नहीं सुनेगा, 6 महीने में सुनेगा, 6 महीने में नहीं सुनेगा, 1 साल में सुनेगा, उसकी चौखट नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ना चौखट, उसका दरबार पकड़ कर रखना। शिव कथा,
शंकर भगवान की ये पावन कथा, ये कथा नहीं है, मनुष्य का विल पावर मजबूत करने की एक औषधि है कि तेरा बल देने के लिए महादेव है, तेरा बल देने के लिए महादेव है। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई तब शंकर के चरणारविंद का स्मरण करा, गर्गाचार्य बाबा ने बिठाकर एक एक रानी के साथ 11 11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक करवाया, तब जाकर भगवान कृष्ण के घर में 1,77,186 बच्चे हुए। भगवान राम जब धनुष यज्ञ में पहुंच रहे हैं तब विश्वामित्र बाबा जान गए कि वो धनुष साधारण नहीं है, उस धनुष को तोड़ना साधारण नहीं है, उस धनुष को उठाना साधारण नहीं है, क्योंकि वो धनुष किसका है, जम के तो बोलो, देवाधीरे महादेव का। अगर शंकर के धनुष को कोई उठा सकता है तो केवल शिव उठाएगा, शंकर के धनुष को कोई तोड़ सकता है तो शंकर तोड़ेगा। इसलिए विश्वामित्र जी ने जनकपुरी जाने से पहले राम जी को बिठाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराकर पूजन करा दी, पूजन कराकर शंकर भगवान से विनती करी कि बाबा यज्ञ में जा रहा हूँ, धनुष यज्ञ में जा रहा हूँ, स्वयंवर में जा रहा हूँ, देख लेना। विश्वामित्र बाबा ने राम जी से धनुष यज्ञ के पहले शंकर जी का अभिषेक कराया, लेकर गए धनुष को तो चढ़ाया था, धनुष टूट गया। परशुराम भगवान ने कितना विवाद मचाया कि यह धनुष किसने, राम जी ने कहा मैंने तो चढ़ाया था, टूटा कब मालूम ही नहीं पड़ा। परशुराम जी ने ध्यान लगा कर देखा, शिव का धनुष कोई नहीं तोड़ सकता, राम जी की सामर्थ्यता नहीं शंकर जी का धनुष तोड़ दे, तोड़ने वाला तो केवल देवाधिदेव महादेव था, जिसने तोड़ कौन तोड़ेगा। पशुपति व्रत तुम कर रहे हो, नहीं शंकर तुम्हारे भीतर बैठकर करा रहा, कथा तुम सुन रहे हो, नहीं शिव सुना रहा। इतने गीले कीचड़ में पानी गिर गया, कीचड़ में बैठकर कपड़ों का ध्यान ना देकर तुम इतनी देर से वो छतरी पे टंगे, दीवार पे टंगे और कथा सुन रहे हो, एक ना वहां पर एलईडी लगी है ना कोई सीडी लगी है, और वो टेंट तुम जाकर देखो तो सभी भरचक भरा है, हॉल जाकर देखो भरचक भरा है, ऊपर की बिल्डिंग जाकर देखो उसकी गच्ची भरी है, गौशाला में जाकर देखो गौशाला भरी है, पीछे कुबेरेश्वर महादेव पर जाकर देखो वहां भरे पड़े हो, ना टीवी लगी है ना एलईडी लगी है, उसके बाद भी तुम इतने मौन रहकर चुप रहकर दिल लगाकर कथा सुन रहे हो तो तुम नहीं सुन रहे, मेरा कुबेर भंडारी खुद बैठ कर सुन रहा। और कथा सियोर वाला महाराज नहीं बाच रहा, ये तो ये कुबेरेश्वर महादेव साथ में चलकर आगे बैठकर मेरा कल्लू बैठकर मेरा राम मेरा कृष्ण मेरा शिव कथा का वाचन करता है। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम बांट दें। और ये जजमान सोनी जी और पाठक जी कथा नहीं करा रहे, कथा की शुरुआत होती है तो उसमें वर्णन आता है, शंकर पार्वती जी जजमान बनकर कथा सुनने गए थे, तो ये केवल यजमान नहीं है, शिव पार्वती के रूप में बैठकर कथा सुन रहे हैं, ये साधारण कोई है ही। कल बीच में एक माता बहुत जम जम के चिल्लाई, हम समझ गए थे कि नंदी की लुगाई आई, उन्हें क्या डर था, उन्हें क्या था, कोई चिल्ला रहा है तो उस पर ध्यान देंगे क्या, नहीं ध्यान करो शंकर भगवान के इतने गण, कोई तो आया और तुम जो है उसके कहने में तुम भी चिल्ला चो, नहीं सिर पर पल्लू रख के पांव पड़ लेते, जी जी आ गए, आज मिली नंदी की लुगाई, गजब। शिव है वो, ओ घड़ी है, शरीर में बहुत सारे देवी देवता आते हैं, कभी तुमने सुना शंकर जी आया, क्योंकि वो कहीं गया ही नहीं था तो आएगा कहां से, यही है तो वो शरीर में आते हैं लोग, इनके गंगा जी आई, उनके वो आया, उनके वो आया, उनके वो आया, आज तक हमें सुनने को नहीं मिला कि इनके शंकर जी आया, क्योंकि इनके शंकर जी आए तो हम भी इंतजार करें कि धतूरा एक बोरी भर के एक ही चढ़ा, कहा सब आएंगे, शंकर जी नहीं आएगा क्योंकि शंकर जी यही है, कहीं गया होता तो आता, जो जाता है वो आता, पर ये तो भूमि छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, कैलाश पर बैठा लमस्त होकर, कभी कभी घूमने काशी चले जाता है, काशी से निकलकर उज्जैनी पहुंच जाता है, उज्जैनी से निकलकर केदार, केदार से निकला तो ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर से भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और कहीं त्र्यंबकेश्वर, ऐसा घूमता घूमता वेदनाथ, वेदनाथ जी से गया तो कहीं परली, कहीं मल्लिकार्जुन, ऐसा घूमता 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 जब सतदूर फिरकी फिरने के बाद जब फ्री हो जाता है तो सियोर आ जाता है, तो ये तो भूमि है।
ये तो उसका आनंद है। 33 कोटि देवताओं में किसी देवी देवता का ऐसा फोटो हो जिसमें वो अपने बच्चों के साथ बैठे हो तो जरूर दिखाना। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे होते हैं जो अपने छोरा छोरी के साथ आराम से बैठे रहते हैं, पूरे परिवार के साथ, शेर, नंदी, सांप, चूहा, गणेश जी, कार्तिकेय, मोर, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, शिव। क्यों? शंकर भगवान कहते हैं विद फैमिली अच्छे लगते हैं। आपसे भी निवेदन है, अकेले से शोभा नहीं है आपका। घर में माता पिता हो, भाई बंधु कुटुंब कबीला हो, उससे खुशियां आती हैं, प्रसन्नता। उससे खुशियां आती हैं। माता पिता हैं घर में तो एक जीवन का आनंद प्राप्त होता है। घर के बुजुर्ग कभी भी अपने लिए नहीं मांगते, याद रखना। कौन? घर के बुजुर्ग कभी भी अपने लिए नहीं मांगते। घर के बुजुर्ग अगर मांगते हैं तो अपने बच्चों के लिए ही मांगते हैं। ये बड़े, ये अगर ये आगे एक एक बात याद करिए। एक पिता और एक पुत्र नाव में बैठकर जा रहे थे, चलते चलते हवा का रुख बदल गया, पानी में समुद्र में रास्ता भूल गए, नाव टापू पर लग गई। टापू पर दोनों बाप और बेटे, पिता और पुत्र उतर गए। उतरने के बाद दोनों पिता और पुत्र ने विचार करा, पिताजी यहाँ तो कुछ भी नहीं है, रास्ता अलग भूल गए हैं, पानी में जाएंगे कैसे, इतना विशाल समुद्र है, पार कहाँ से होंगे, कोई छोर नजर नहीं आ रहा, पिताजी क्या करें। पिताजी बोले अब टापू पर ही रहते हैं। दोनों टापू पर उतर गए। उतरते से बेटा कहने लगा, पिताजी अब तो अंतिम समय आ गया ऐसा लगता है। पिताजी ने कहा, पुत्र बिल्कुल बेटा बिल्कुल सही है, मरने का समय आ गया, मृत्यु का समय आ गया, अब आगे हमारा कोई भी नहीं है, मरना यहीं पर है, तो एक काम क्यों ना करें। दोनों बाप बैठे, अलग अलग टापू पे बैठ जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, शिव जी का स्मरण करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करेंगे, मर जाएंगे भजन करते करते। दोनों ने अलग अलग टापू पर बैठकर ईश्वर को याद करना प्रारंभ करा, भजन करना प्रारंभ करा। जपते जपते भजन करते 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 एक दिन बेटे ने भगवान से कहा, भगवान आज 12 दिन हो गए, भूख लग रही, भोजन के लिए कोई फल वाले वृक्ष लग जाए, कृपा हो जाएगी। भगवान ने फल वाले वृक्ष लगा दिए। उसने आंख खोलकर देखा, बारे गजब हो गया, भगवान ने फल वाले वृक्ष लगा दिया। भगवान को धन्यवाद दिया, फिर बैठ गया तप करने के लिए, भजन करने के लिए। फिर हाथ जोड़कर बोला, भगवान फलदार वृक्ष बन गए, अब कोई एक मकान या झोपड़ा बन जाए तो कृपा हो जाए। भगवान ने उसके लिए झोपड़ा बना दिया। फिर तप करने बैठ गया आग बंद कर, फिर बोला, भगवान अब तो ऐसा हो जाए कि किसी कन्या से मेरी शादी हो जाए। भगवान ने कृपा कर दी, एक लड़की मिल गई, उससे शादी भी हो गई। अब मन में आया, भगवान ऐसा कुछ कर दो कि हम यहाँ से चलें और हमारे को रास्ता मिल जाए। नाव आ गई, दोनों बैठकर जाने लगे। इतनी देर में आकाशवाणी हुई कि तुम अकेले जा रहे हो, तुम्हारे पिताजी दूसरे वाले टापू पर हैं, उनको लेकर नहीं जाओगे। पुत्र बोला, मैं भी भजन कर रहा था, मेरा पिता भी भजन कर रहा था, मैं भी ईश्वर को मना रहा था, वो भी ईश्वर को मना रहे थे, मैं भी शंकर का भजन कर रहा था, वो भी शंकर का भजन कर रहे थे। उनकी भक्ति में इतना बल नहीं होगा, इसलिए ना उनको खाने को मिला ना रहने को मिला, मेरी भक्ति का बल बड़ा था, इसलिए फलदार वृक्ष मिले, पत्नी मिली, नाव मिली और रास्ता मिल रहा है, तो उनको पड़े रहने दो, उनको ले जाने से कौन सा फायदा है। अरे भगवान ने आकाशवाणी कर कर कहा, तुमने भगवान से सब मांगा, तुम्हारे पिता ने क्या मांगा मालूम है तुमको? क्या मांगा मेरे पिताजी ने? तुम्हारे पिताजी ने एक ही चीज मांगी थी, मेरा बेटा जो जो मांगे भोलेनाथ उसको देते चले। मेरा बेटा जो जो मांगे भोलेनाथ उसको देते चले जाना। इसको कहते हैं पिता। फादर्स डे की बधाई हो आप सभी को। इसको कहते हैं पिता जो अपने लिए कुछ नहीं मांगता। ये बैठे सोनी जी और सोनी भाभी बैठी हुई हैं, इधर पाठक जी और पाठक जी के यहां से भाभी जी बैठी हुई हैं। इन लोगों से अगर पूछा जाए कि
ये मंदिर भी जाते होंगे, कथा भी सुन रहे होंगे या शिव का अभिषेक भी करते होंगे। और आपसे भी कहूंगा, जितनी बुजुर्ग माताएं या बड़े लोग बैठे हैं, कि कभी अपने लिए नहीं मांगते कि भगवान मुझको फोर व्हीलर गाड़ी दे दे या मुझको ये दे दे। ये हमेशा कहते हैं मेरा बेटा अच्छा रहे, मेरी बहू अच्छी रहे, मेरा पोता को ऐसा हो गया, मेरी बेटी की आय ऐसा हो गया, मेरे बच्चों को ऐसा हो गया, नाती पंती को ऐसा हो गया। ये जब मांगेंगे ना, जब दूसरे के लिए, बहू और सास में एक ही अंतर है। बहू अपने लिए मांगती है, सास सबके लिए मांगती है, इसलिए सास की मुराद जल्दी पूरी हो जाती है और बहू आश्चर्य में पड़ जाती है। डोकरी देखो तो सही, क्या जोरदार साड़ी पहन के, टीका लगा के, कितनी जोरदार। जो सबके लिए सोचता है, सबके लिए मांगता है, भगवान सबसे पहले उसी का भंडार भर देते हैं। जा, इतना सबके लिए मांगा है, तेरे लिए लिए। ये मंदिर जाती गोराने त्रिपुरारी मिल गए, भोला जादू कर 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 गए। मंदिर जाती गौरा ने त्रिपुरारी मिल गए, मंदिर जाती गौरा ने त्रिपुरारी मिल गए, ओ मंदिर जाती गौरा ने त्रिपुरारी मिल गए, मंदिर जाती गौरा ने त्रिपुरारी मिल गए, भोला जादू कर गए, भोला जादू कर गए, भोला जादू कर गए, भोला जादू कर गए, ओ भोला जादू कर गए, भोला जादू कर गए। महादेव भगवान शिव की कथा कहती है, शिव स्मरण में चित्त वृत्ति मन लगा रहे तो जीवन का एक आनंद अपने आप समाहित हो जाता है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आगो, दया करी निदर्शन आगो। सभी लोग शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे, मूल मंत्र का सभी लोग जाप करेंगे, बाबा से निवेदन करेंगे, बाबा भले हम टीवी पर कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे इस पावन धरा पर कथा सुन रहे हो, हमारे मन का भाव आप जरूर जाने। श्री शिवा नमस्तुभ्यो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यो। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, सारे दुख तकलीफें कष्ट
कटे और शिव कृपा अपन सभी पर बनी रहे, अपन सब शंकर की भक्ति में नित्य प्रति डूबते रहे। कथा चल रही थी वंश पर, मंदिर घर में भले छोटा हो, भले मंदिर को कोने में रखा हो, पर अपने दिल के कोने में, अपने हृदय के कोने में भी शिव जी को अवश्य रखना। एक बात जीवन में उतार कर रखिएगा, जो शंकर का द्वार नहीं भूलता उसको कभी महादेव नहीं भूलता, ये निश्चित है। शिव का जो द्वार पकड़ा है, शंकर का जो द्वार हमने पकड़ा है, फिर कभी शिव नहीं भूलता। आप अगर एक लोटा पानी चढ़ाते चढ़ाते साल भर हो गया, दो साल हो गया, तीन साल हो गया, चार साल हो गए, आपने मंदिर जाना बंद कर दिया, तो ये मत सोचना कि शिवजी आपको भूल गए। आपने मंदिर जाना बंद करा, शंकर आपको नहीं भूल गए। आप रोज मंदिर जाते हो, देवालय जाते हो, प्रतिदिन कथा में मन लगाकर टीवी के सामने 1 बजे से 4 बजे तक कथा श्रवण करते हो, रात में भी थोड़ी देर बैठकर कथा सुन लेते हो, 6 महीना 8 महीना 1 साल 1.5 साल 2 साल तक अपने नियम से मंदिर जाए, कथा सुने, भजन करें, कीर्तन करें, काम भी करें, सब कुछ किया, भगवान ने दिया भी, कृपा करी भी, पर बहुत दिन तक आप मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने नहीं जा पा रहे, बहुत दिन तक आप कथा तक नहीं पहुंच पा रहे, बहुत दिन तक इस दिल को देवदिव्य महादेव से नहीं लगा पा रहे हैं, तो मंदिर का द्वार तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो समझ लेना भगवान जब भी रूठता है ना, तो आपका भोजन पानी बंद नहीं करता। भगवान रूठता है तो आपका धंधा पानी कभी बंद नहीं करता। भगवान जब रूठता है ना तो तुम्हें बीमार भी नहीं करता। भगवान जब रूठता है ना तो अपने मंदिर जो आने का समय रहता है ना, उस मंदिर के समय को, कथा के समय को इतना व्यस्त कर देता है, भगवान अपने पास आने नहीं देता। क्योंकि भगवान जानता है कि अब मुझे, भगवान जब रूठता है ना तो दुकान धंधा पानी बंद नहीं करता। भगवान जब रूठता है तो तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा खाना पीना, सोना, उठना बैठना, घूमना फिरना, ये कुछ परमात्मा बंद नहीं करता। परमात्मा एक ही चीज बंद करता है, कथा में मन नहीं लगने देता। 1 बजे से 4 बजे का समय होगा तो कोई मेहमान आ जाएगा, रिश्तेदार आ जाएंगे, पार्टी में जाना पड़ जाएगा, कोई कार्य में जाना पड़ जाएगा, या मंदिर में पानी चढ़ाने का समय, एक लोटा जल चढ़ाने का जो समय है तुम्हारा, 7 बजे 8 बजे 6 बजे 5 बजे कुछ ना कुछ ऐसा विघ्न उत्पन्न कर देगा, कोई ना कोई कारण ऐसा उत्पन्न कर देगा जिससे आप उसके मंदिर तक नहीं जाए। क्यों? क्योंकि मंदिर तक जाते रहोगे, सत्संग करते रहोगे तो संकट कटता रहेगा। तो भगवान चाहता है कि अब इसकी संकट की घड़ी आ रही है, मंदिर छुड़ाना जरूरी है, नहीं तो ये कहेगा कि मैं तेरे दरवाजे पर आता रहा और तू भी मुझे दुखाता रहा। तो भगवान कहता है मैं सबसे पहले मंदिर छुड़ा देता हूं, सत्संग छुड़ा देता हूं। फिर कहूंगा दान पुण्य भजन कीर्तन स्मरण में मुंह मत बिगाड़ना। क्या नहीं बिगाड़ना? मेहमान तुम्हारे दरवाजे पर आए तो उसकी सेवा करना, मुंह मत बिगाड़ना। कथा सत्संग में जाओ, मुख मत बिगाड़ो, तब अपना परिवार बिगड़ जाए या अपन बिगड़ जाए, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। उसकी भक्ति का बल बढ़ा, विश्वास, श्रद्धा। एक बार अशोक सुंदरी ने पार्वती मैया से काशी में नंदन वन में एक प्रश्न किया। काशी के नंदन वन में जैसे महाकाल बाबा का जो मंदिर है, ये महाकाल वन,
शिव महापुराण में लिखा है। कौन सा वन है? चमके बोलिए, महाकाल वन। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो दारुक वन। कौन सा वन है? दारुक। काशी जो है वो नंदन वन। वन का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? जम के बोलो जरा। वन का मतलब होता है घना जंगल। आप जंगल में फंस जाएं, चारों तरफ हिंसक पशु पक्षी हो, चारों तरफ हिंसक पशु पक्षी हो, आपकी रक्षा आप कैसे करेंगे? चारों तरफ अग्नि को प्रकट कर लोगे, बीच में बैठ गए। उन हिंसक पशु पक्षी से बचने के लिए चारों तरफ अग्नि को प्रकट कर कर बीच में बैठ जाओगे कि ये पशु पक्षी इस वन में कहीं मेरा भक्षण ना कर ले, क्योंकि शस्त्र रखूंगा और हिंसक पशु पक्षी यहां भी जाएंगे तो एक से लड़ूंगा, दो से लड़ूंगा, पर चारों तरफ अग्नि जल रही होगी, बीच में तुम बैठे होगे तो कोई हिंसक पशु पक्षी तुम्हारे पास प्रवेश नहीं कर सकता। शंकर भगवान का ज्योतिर्लिंग इन वनों में इसलिए है क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग ज्योति को प्रकट करता है कि जब जैसे वन में बैठते हैं और चारों तरफ अग्नि प्रकट होकर अपने को बचा लेते हैं, जिस समय जिंदगी के चारों तरफ से घिरे हुए हो, कहीं कोई परेशान कर रहा, कहीं कोई परेशान कर रहा, इधर से शेर, इधर से कोई, इधर से कोई, ना जाने कितने कितनी समस्याएं पूरे वन में, जिस घर में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, नगर में, मोहल्ले में, क्षेत्र में रह रहे हो, चारों तरफ से ये समझ लेना कि वन में घिरे हुए हो हिंसक पशु पक्षी, तुम्हारे ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, तुमको नष्ट करने वाले हैं। उस समय पर जब कोई नजर नहीं आए तब किसी ज्योतिर्लिंग की ज्योति को चारों तरफ से स्मरण करना प्रारंभ कर देना तो बचने का ठीक एक निश्चितता उत्पन्न हो जाए। वो ज्योति प्रकट कर, जो ज्योतिर्लिंग में वो ज्योति प्रकट कर, नेत्र ज्योति चली गई और नेत्र ज्योति जाने के चार नागपुर ले गए, डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन हर महीने लगवाना पड़ेगा, तो भी चांस नहीं है। तब शंकर भगवान की भक्ति को धारण कर कर उसका जल लगाना प्रारंभ किया, जैसा शास्त्र के अनुसार वर्णन किया था, शहद प्रयोग करना प्रारंभ करा, इंजेक्शन रखे की रखे रह गए, नेत्र ज्योति बाबा ने वापस लौटा दी। ये शिव बैठे शंकर की भक्ति में इतना प्रबलता है, इतना शिव मालूम है आपको कि दुख बहुत है, तकलीफ बहुत है, कष्ट बहुत है। अशोक सुंदरी ने नंदन वन में माता पार्वती से एक प्रश्न करा है, एक प्रश्न और बड़ा सुंदर प्रश्न है वो, एक प्रश्न बड़ा सुंदर है। नंदन वन में माता अशोक सुंदरी अपनी माता पार्वती से, शंकर भगवान की सबसे छोटी पुत्री, माता पार्वती की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी कह रही है, मां मां किसी तालाब में कूद जाने पर वस्त्र गीले हो जाते हैं, फिर वो वस्त्र सुखाने के लिए धूप में हवा में डाले जाते हैं, तब जाकर वो वस्त्र सूख पाता है, पहनने के लायक हो पाता है। तब अशोक सुंदरी ने कहा, मां संसार सागर में ये समुद्र है, संसार सागर, इसमें ये काया डूब जाती है और डूबने के बाद बाहर निकाल ली जाए, परमात्मा इस कपड़े को वापस पहनेगा। ये आत्मा का कपड़ा परमात्मा का है, संसार सागर में डुबाया है, इसको परमात्मा वापस लेकर जाएगा पहनने के लिए। जब ये संसार के सागर में दुख सुख में परिवार कुटुंब कबीले नाते रिश्ते सब में ये लिप्त हो गया, डूब गया, तालाब में गीला हो गया, तो ये पहनने के लायक कब बनेगा? कपड़ा धूप की रोशनी में सूख जाता है, कपड़ा हवा में डालो सूख जाता है, तो ये आत्मा परमात्मा के लिए शुद्ध कब हो पाती है? तो माता पार्वती जी ने कहा, जब एक बार संसार का मनुष्य, संसार का मानव जब सत्संग
या किसी गुरु की शरणागति में पहुंचता है तो जैसे ही शरणागति पर गुरु की दृष्टि पड़ती है, पड़ते से हवा चलती है और उसने जितना पाप किया होता है वो सब नष्ट होकर परमात्मा की ओर देखते। आपको एक बात और कही थी, याद होगा, लोन लेते हैं तो किसी दूसरे की गारंटी रखाती है। लोन आप नहीं चुकाते तो गारंटी वाले का फैक्ट्री दुकान सब कब्जे पर ले लिया जाता है कि तुमने लोन नहीं चुकवाया, लोन दूसरे ने लिया, गारंटी तुम्हारी है, प्रॉपर्टी तुम्हारी चली जाएगी। उसी तरह कोई गुरु अगर आपको बैठकर मार्गदर्शन देता है, गुरु अगर आपको कुछ ज्ञान देता है, गुरु कहता है कि ये करोगे इससे फल मिलेगा और आपने अगर विश्वास रखकर कर लिया तो उसकी गारंटी गुरु की होती है कि वो कराएगा जरूर। भगवान से प्रार्थना करेगा, कहेगा, विनती करेगा और कहेगा इसको स्वीकार कर लिया, जैसा भी है आपका किसी दूसरे का। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छटी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। बाबा से निवेदन करो कि हम परमात्मा आपके सत्संग में आकर बैठते हैं तो कोई तपन, सत्संग में बैठने पर कोई सूर्य की किरण जैसे पड़ती है कपड़ा सूख जाता है, उसी तरह जब हम शिव महापुराण की कथा श्रवण करने बैठते हैं, भले टीवी पर सुने, यूट्यूब पर सुने, मोबाइल पर सुने, फेसबुक पर सुने, चाहे कथा के पंडाल में सुने, एक किरण भगवान की दृष्टि की ऐसी पड़ती है कि व्यक्ति का जीवन सवर जाता है, सुधर जाता है, मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कितना सुंदर कहा है, निंदा करने वाला दूसरों को बुरा बता सकता है। बोलो सही है कि गलत है? जो निंदा करता है दूसरे की, मतलब दूसरे को इतना बुरा बता देगा, इतना बुरा बता देगा, इतना बुरा बता देगा कि उसके बराबर कोई बुरा ही नहीं। कभी कभी सोचने में आता है सुधीर भैया, एक बात ध्यान में आती है, कई बच्चियां, कई लोग एक जरा सी छुपकली से डर जाती हैं। अरे राम छुपकली आ गई और काकरोच आ गया। अब एक बात समझ में आती है कि ये छुपकली से डरे, काकरोच से डरे और अदालत में जब तलाक लेने खड़ी होती है तो शेर जैसी दहाड़ती है। तब एक बात समझ में नहीं आती, यूं छुपकली से डर लगे, यूं काकरोच से डर लगे और जब अदालत में केस लगाया जाता है तो सीधा सीधा कहा जाता है ये माँ इसने मुझे ऐसा करा, ये पिता इसने ऐसा करा, ये ऐसा करा, वो वैसा करा, ये भय। आज फिर कहूंगा, क्राइम जितने होते हैं उसको सरकार कभी नहीं रोक सकती, क्राइम को केवल आपका संस्कार और सत्संग ही रोक सकता है, इसके सिवा कोई नहीं। जितने क्राइम होते हैं, जितने गलत काम होते हैं, सरकार इसको नहीं रोक सकती, इसको रोकेंगे आप और हम सत्संग में बैठेंगे, अच्छी बात जानेंगे, अच्छे संस्कार बच्चों को देंगे तो क्राइम होंगे ही नहीं। हमने पहले भी कथा में कहा था, बच्चे जब छोटे रहें तो उनके हाथ में गीता पकड़ा दीजिए, नहीं तो बड़े होने पर अदालत में गीता की सौगंध खाना पड़ेगी। अगर बचपन में बच्चों के हाथ में गीता पकड़ा दोगे तो बड़े होकर इनको अदालत में गीता पर हाथ नहीं रखना पड़ेगा, गीता की सौगंध नहीं खाना पड़ेगी, बचपन में ही गीता इनके हाथ में पहुंच गई तो ये बड़े होकर गीता की कसम नहीं खाएंगे, ये निश्चित है। थोड़ा संस्कार हमको देना पड़ेगा, थोड़ा ज्ञान हमको देना पड़ेगा, वो फिर कहे हम सुधरेंगे। बोलो जरा जल्दी से बोलो, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। अरे बोलो तो जम के, युग बदले, कब बदलोगे? तारीख निश्चित करके चलो। धर्म की अधर्म का चिल्लाने से हो जाएगा, काय से होगा? अधर्म का नाश किस चीज से होगा? जो तुम एक लोटा जल शिव को चढ़ाओगे, घर पर लाकर छीटोगे सारा अधर्म। समा
अभी हो क्या रहा है? आप सब बैठे हो, इतना लोक कथा सुन रहा है आस्था चैनल पर, फेसबुक ग्रुप पर। ईमानदारी से बोलना, आपके गांव गांव में, नगर नगर में, शहर शहर में, पूरे विश्व के, पूरे भारत की भूमि के एक एक गांव में जाकर चले जाओ, एक एक शहर में चले जाओ, कहीं पर भी तुम्हारी मर्जी पड़े तो दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम, कहीं पर भी चले जाना, जाकर देखना गांव गांव के शंकर मंदिर में एक लोटा जल चढ़ रहा है, मतलब अधर्म का नाश हो, अधर्म गया। कलयुग नहीं, जम के बोलो शिव युग चल रहा है। कोई कहे कलयुग चल रहा है, मना कर देना, नहीं 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 नहीं, शिव युग चल रहा है। इतना बदलाव, इतना बदलाव कि लोग पहले बैसाख महीने में सुनने में आते थे कि मां राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, मां देवी जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मां इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब की बैसाख में सुनने को मिला कि मां शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा, 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 जहां देखो शिव ही शिव। तो ये शिव युग नहीं तोड़ दिया, ये शिव युग नहीं तोड़ क्या है? पहले के लोग ना जाने किस किस को लाकर मंदिर बिठा दिए, पर आज जिसको बिठाना था मंदिर में उसको तो लोगों ने मंदिर में नहीं बिठाया था और दूसरे को लाकर मंदिर में बिठा दिया था। आज खुशी इस बात की है कि जिसको मंदिर में बैठना था, मेरा देव अधिदेव महादेव शिवलिंग के रूप में प्रत्येक मंदिर में जाकर बैठ गया, उसकी प्रसन्नता। अब लोगों को भले काली मिर्ची लगे, चाहे खरगोन की पटना मिर्ची लगे, एक बार खरगोन की कथा सुनी कि नहीं सुनी तुम लोगों ने? खरगोन में जब हम गए तो हमको ये मालूम पड़ा कि इधर मिर्ची बहुत होती है, खूब मिर्ची होती है। तो हमने हमारी साधारण भाषा में पूछ लिया कि मिर्ची कौन से मौसम में लगती है, तो वहां का तो मुंह फटा दिया, तुरंत बोल दिया सच बोल दो अभी लग जाए। उसमें क्या मिर्ची कौन से मौसम में लगती है? बोलो तो कभी भी लग सकती है, कोई समय, बस सच बोलने वाला चाहिए और तुरंत लग जाए। कहां जी, कलयुग नहीं सतयुग है महाराज, शिव का युग। धीरे 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 आषाढ़ जाएगा, क्या जाएगा, सावन का महीना आ जाएगा, खूब पावा मस्ती और अपन और त्रिपुण लगा के जोरदार सज के, और जितनों को मिर्ची लगती होगी ना, तो तुम अब सावन के महीने में और जो सज के जाओगी ना, राम तुम्हें देख देख के ये कहीं रस्सी पे नहीं टंगी जा भगवान। फिर भगवान जी, मेरा महाकाल बाबा, मेरा विश्वनाथ बाबा बेलपत्र में ढका रहेगा पूरे सावन के महीने में। लोग लाला के गंगा जल चढ़ाते जाएंगे, कावड़ आती जाएगी, बाबा छुपा रहेगा। मेरो खोई गयो भोला नाथ, सावन का भजन है, परंतु अपन यही सोचे अभी मौसम भी तो सावन जैसा हो गया, उसमें क्या दिक्कत है? मेरो कोई गया भोला नाथ मेला कावड़ में, मेरो कोई गया भोला नाथ मेला कावड़ में, मेरा कोई गयो भोला नाथ मेला कावड़ में, मेरा हार हा महादेव। भगवान शिव की कथा कहती है, जीवन का सुख परमात्मा के चरणारविंद हैं और उन चरणों का सुख एक आनंद देने वाला है। श्री शिवाय नमस्तु। भगवान तुम रुका जी चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं, आनंद के साथ 12 ज्योतिर्लिंग की पावन कथा का रस स्वादन कराते हैं। पहले एक बार पुनः शिव महापुराण के मूल मंत्र को एक बार बाबा के सम्मुख में फिर बोल लो, दिल से निवेदन करते हुए अपनी जगह पर बैठकर आनंद के साथ। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु।
श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु हर हर महादेव। शिव पुराण की कथा कहती है तुम रुका जी चंचला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हैं। पहला सोमनाथ बाबा का वर्णन किया, चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, काया भगवान शिव की कृपा से चंद्रदेव की ठीक हुई, भगवान सोमेश्वर महादेव के नाम से विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन, कार्तिक बाबा रुष्ट होकर चले गए, भगवान शंकर पार्वती उनको मनाने के लिए पहुंचे, बाबा मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल, दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान देवदेव महादेव ने किया। बाबा ने दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, भगवान महाकाल के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस को मारना बड़ा कठिन था, क्योंकि ये रूप रख लेता, 84 रूप तो इसने रखी लिए थे। भगवान देवदेव महादेव ने 84 रूप धारण कर इसका संहार किया। उज्जैनी नगरी में बाबा 84 महादेव के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है, ओंकारेश्वर बिंद नामक पर्वत में तप कर बाबा को विराजमान किया, भगवान ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है श्री केदारनाथ, नर नारायण पर्वत ने भगवान शिव की आराधना कर शिव जी को यहाँ विराजमान करा। फिर वर्णन आया है श्री भीमा शंकर, कुंभकर्ण की पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र भीम, जिसने सारे मंदिर देवालय तोड़वा दिए थे, शंकर भगवान ने उसका संहार करा, तो शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। अगला वर्णन आया है श्री काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान को यहाँ पर विराजमान किया। अगला वर्णन आया है त्रंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को मिटाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का स्मरण किया, तीनों देवलिंग के रूप में विराजमान भगवान त्रंबकेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ, रावण भगवान शंकर को लेकर चले, बीच मार्ग में उनको रखा, उठाया, उठ नहीं पाए, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने किया था, यहाँ पर भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। फिर अगला वर्णन आया है रामेश्वरम, भगवान राम स्वयं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करते हैं और भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है घृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नियां सुधेया और भूषमा, सुधेया के घर औलाद नहीं, संतान नहीं, भूषमा ने अपना पुत्र दिया, उसको पाल पोस कर बड़ा करा, शादी हो गई, बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो भूषमा है, इसको पूछना बंद कर दिया, इसने बेटे के टुकड़े कर पोटली में बांध कर तालाब में फेंक दिया। एक हफ्ते पहले मरा हुआ पुत्र भूषमा शिव जी को पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर विसर्जन करने जा रही थी, विसर्जन करते समय इसके मन में भाव आया, भोलेनाथ मैंने अपने पुत्र को बहुत दिन से नहीं देखा, आप कृपा करिए। तब बाबा देवदिदेव महादेव ने भूषमा के पुत्र को, एक हफ्ते पहले मरे हुए पुत्र को जीवित कर पुनः तालाब से बाहर निकाला। भगवान शंकर ने भूषमा के बेटे को जीवित करा तो शिव जी का नाम घृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया। चंचुला देवी का पति जो प्रेत योनि में था, वो प्रेत योनि से छूटकर देव योनि को प्राप्त कर शंकर भगवान के धाम को गए। शिव जी ने कहा, सुनो बिंदु, तुम चंचुला देवी को लेकर सातित्व लोक में निवास करोगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई सौभाग्यवती नारी, अखंड सौभाग्यवती नारी शिव महापुराण की कथा सुनती है, अखंड सौभाग्यवती होती है। जो वेदव्य नारी शिव महापुराण की कथा सुनकर हृदय में शंकर का अनुमोदन करती है, वो मरने के बाद पति के लोक को, शिव लोक को चली जाती है। भगवान शिव के धाम का आनंद जो जिस भाव से शंकर की पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, भगवान उसकी मन की कामना पूर्ण करते हैं। चंचुला देवी जब जाने लगी, तुमरुका जी ने शंकर भगवान के चरणों को प्रणाम कर कहा, बाबा आप संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए कुछ कृपा करिए। शिव जी ने कहा, तुम रुका जी क्या चाहिए बोलो, क्या दूं मैं तुमको? एक बात याद रखिए, कथा का विराम होने जा रहा है, गुरु पूर्णिमा की कथा सुनेंगे तो उसमें हम वर्णन करेंगे इस चीज का। श्रावण का पहला दिन और श्रावण का समापन का दिन, ये दो दिन तुमरुका जी का नाम लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र अगर कोई समर्पित कर देता है तो उसके घर में वंश की कभी कमी नहीं आ सकती, उसके घर संतान जरूर होती है, पुत्र प्राप्त होता है, बेटी हो बेटा हो संतान अवश्य प्राप्त होती है।
वंश बढ़ता है। ये वंश की वृद्धि थी। आप पूरे महीने बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते तो प्रथम दिन और श्रावण महीने रोज एक लोटा पानी लेकर जाते हो। सावन के महीने में कोई एक दिन दोनों हाथ में कलश लेकर जाना। हम कावड़ नहीं ले जा सकते, बहुत दूर नहीं जा सकते, अपने घर से जल भरकर हाथ की कावड़ बनाकर शिव जी पर दोनों हाथ से समर्पित करना है अपने घर की सुख समृद्धि। और पूरे महीने में कोई एक दिन शंकर का स्मरण कर शिव भक्ति को धारण कर। तुम रुका जी के कहने पर शंकर भगवान ने कहा, सुनो तुम रुका जी, सात दिन तक शिव महापुराण की पोथी पर जो बेलपत्र चढ़ेगी वो औषधि का कार्य करेगी, इसलिए छह दिन जो बेलपत्र पोथी की रहती है वो घुटना दर्द, कमर दर्द, हाथ पैर दर्द, शरीर के रोग को मिटाने की होती है, और सातवें दिन की जो बेलपत्र होगी शिव जी ने अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिव पोथी पर समर्पित कर दी। ये बेलपत्र कुबेर भंडार का भंडार भरने वाली होती है। देव अधिदेव महादेव की कृपा आप सबको तो इतनी बेलपत्र है नहीं कि मिल जाए, और वितरण भी बंद है, चाहे रुद्राक्ष का वितरण हो चाहे बेलपत्र का वितरण हो, सब बंद है, क्योंकि संख्या ज्यादा होने के कारण। ऐसा नहीं कि रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, किसी ना किसी दिन ऐसी ही व्यासपीठ से बैठकर हम खुद कहेंगे कि रुद्राक्ष वितरण प्रारंभ किया गया है। जब कहेंगे तब आप लोगों को मिलेगा। बेलपत्र भी इतनी मात्रा में तो रहती नहीं कि आपको दे सके, पर एक बात जरूर कहेंगे, कुबेरेश्वर बाबा की धरा से आप कथा सुन रहे हो, चाहे टीवी पर, मोबाइल पर, चाहे यहाँ बैठकर सुन रहे हो, विश्वास रखकर जाना। बेलपत्री भले आपको ना मिले, पर हृदय से कहते हैं कि कुबेर भंडारी ऐसी बेलपत्र आपके घर में देगा कि आप तीन महीने में वापस आ ही जाएंगे, ये निश्चित है। बाबा से विनती कर कर जाइए, बाबा पुनः बुलाना, हम वापस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आए। और एक बात का याद रखना, बच्चा कुर्सी पे से वही कूदता है जहां उसकी माँ बैठी होती है कि वो मुझे संभाल लेगी। अगर गिराने वाला गिराएगा तो महादेव संभालने के लिए बैठा है, चिंता मत करो। जगत का बाप बैठा है, जगत की माँ बैठी है, कह देना गिरने को तैयार बैठी हूं, पर संभालना तुझे ही पड़ेगा, तब आनंद आएगा। बच्चा माँ से दूर जाकर कुर्सी से वही गिरने की नाटक करता है, जामा होती है, गिरो गिरो गिरो, बच्चे को उछालो, हंसता है। बोलो हंसता है कि नहीं हंसता? क्यों हंसता है? क्योंकि उसको मालूम है मेरी माँ नीचे खड़ी है, मेरा बाप नीचे खड़ा है, पिता खड़ा है, अगर मैं आऊंगा तो वो झेलेगा, गिरूंगा तो पकड़ेगा। उसी तरह मेरा कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर महादेव बैठा है, जब गिरोगे अब वो बैठा है, तुम्हें हथेली पर झेलेगा, उसके बल पर जियो। मेरा देव अधिदेव महादेव आपके साथ हर पल हर घड़ी हर क्षण है। जन्म मरण परण तीन शिव के हाथ में है, किसी संसार के व्यक्ति को नहीं दिया। जब मृत्यु आना होगी वो भेजेगा, विवाह करना होगा वो करेगा, जन्म देना होगा वो देगा, उसके सिवाय कोई नहीं कर सकता। बस उसका स्मरण करो, सारी समस्या का हल। कौन सा युग चल रहा है? शिव युग चल रहा है। गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर में एक ही बात कहना है, एक लोटा जल सारी समस्या हल। श्री शिवाय। दोनों जावांशु महापुराण की कथा अपन ने श्रवण करी। बाबा देव अधिदेव महादेव ऐसी कृपा करे, दशा भंडार भरे आप लोगों के यहाँ, भगवान की कृपा हो। जो जो यहाँ कथा सुनने आए हैं सभी को नमन करते हुए, जो आज फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं सभी श्रोता भाई बहन, आप सबका दिल कुबेरेश्वर महादेव के चरणों में लगा रहे, भगवान आपके मन की कामना पूर्ण करे।